हेलो गाइस, 5th फरवरी को है निफ्ट का एग्जाम। अब उसमें कुछ ही दिन रह गए हैं। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है स्टेप बाय स्टेप क्रिएटिव क्वेश्चंस के अंदर, तो उसके लिए कुछ टिप्स हम आपको आज देने वाले हैं। टिप नंबर 1, जो भी आपको प्रोसेस दिया जाए, चाय बनाना, नूडल्स बनाना, पतंग उड़ाना, उसको आप 3 से 5 स्टेप्स के अंदर शो करें, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। सेकेंड टिप ये है कि आप जो भी प्रोसेस शो कर रहे हैं उसके अंदर जो भी स्टेप्स हैं उसमें लैंग्वेज जो आप लिखेंगे उसको बिल्कुल क्रिस्प और टू द पॉइंट होना चाहिए। कोई लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे उसके अंदर, हम मिनिमम वर्ड्स के अंदर जितना प्रिसाइसली हम डिस्क्राइब कर सकते हैं वो हमें उसके अंदर लिखना है। थर्ड टिप ये है कि हम जो भी स्टेप्स लिख रहे हैं उसको हमको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, हम उनको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। जैसे अगर चाय बनाने का स्टेप आप लिखना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि टेक 1 कप ऑफ वाटर, बॉयल द वाटर एंड ऐड 1 टीस्पून ऑफ टी लीव्स। उसके अंदर आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ऐड 1 टीस्पून ऑफ टी लीव्स इन 1 कप ऑफ बॉइलिंग वाटर, और उसको एक ही इलस्ट्रेशन के साथ आप शो। फोर्थ टिप ये है कि हमें जो भी इलस्ट्रेशन बनाना है उसके अंदर अननेसेसरी डिटेल्स जैसे कि हाथ, पांव और साइड में पड़े हुए चम्मच, प्लेट बनाने की जरूरत नहीं है। हमें अगर एक कप दिखाना है तो हम सिर्फ एक कप दिखा के उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये है कुछ टिप्स आपके लिए स्टेप बाय स्टेप करने के लिए। ऑल द बेस्ट, रॉकेट।